फ्रेंड आपका बॉडी कुछ ऐसा है ना, फिर ऐसा ना, फिर थोड़ा सा फिट। फ्रेंड जैसा भी है सर, 15 दिन में आप और आके पूरा फिट होने वाला हो। अगर फिट नहीं होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आके गाली मार देना, रोको अभी नहीं, पहले 15 दिन ट्राई करना, अगर फिट नहीं होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आके गाली मार देना। फ्रेंड आदमी बॉडी फिट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, जिम जाना, फिर क्रोमोट तोड़ने वाला एक्सरसाइज करना, तरह तरह का नुस्खा यूज करना। फ्रेंड आदमी कोशिश करते ही रहते, क्योंकि मोटापा होने का साथ साथ सिर्फ मोटापा ही नहीं आते, तरह तरह का बीमार आ जाते, जैसे डायबिटिक्स, थायराइड और भी बहुत बीमार फ्रेंड एक साथ में आपको पकड़ लेते, जो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाते। तो आदमी ज्यादातर ऐसे कोशिश करते रहते जे ज्यादा फिट कैसे रहे। फिट मतलब यही नहीं है आप ज्यादा दुबला पतला बन जाए, फिर ज्यादा मोटा हो जाए, फिट मतलब मीडियम रहे। कोई कोई आदमी तो फ्रेंड लाखों रुपया गवा चुका है, टीवी में अक्सर एड आते रहते हैं, ये बेल्ट ले लो, बेल्ट पहन लोगे तो तुरंत आपको मैदा, आपका जो फैट है वो घट जाएगा, फिर थोड़े दिन में आपका कुछ करने का जरूरत नहीं, अपना आप घट जाएगा। ऐसे फ्रेंड एडवर्टाइज देते रहते, आदमी भी खरीद लेते और ठग देते, क्योंकि ऐसे में कुछ भी नहीं होते, उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ते, दो से चार दिन यूज करके फिर भी फेंक देते। फिर फ्रेंड ऐसे ही फैट कटर जैसे प्रोडक्ट भी आ गया, मेडिसिन जैसे ये पी लो तो आपको तुरंत 1 महीने के अंदर फैट घट जाएगा, ऐसे में भी कुछ नहीं होते। इस तरह फ्रेंड बहुत प्रोडक्ट है बाजार में जो आदमी 2-4-5-10 दिन यूज करने का बाद छोड़ देते, क्योंकि उसमें कोई असर ही नहीं गिरते। तो आपका ये जो अफवाह है जिसमें आपको सिर्फ नुकसान करते, तो ये अफवाह में बिल्कुल मत आना। तो फ्रेंड आदमी ऐसा हमेशा कोशिश करते रहते, लेकिन आदमी गलत तब कर लेते जब आदमी दूसरा फोकट का जो सलाह है वो लेना चालू कर देते, जैसे यूट्यूब पे सर्च कर लेते, फिर गूगल में कोई भी वेबसाइट में जाकर सर्च कर लेते। और हमारा समाज में फ्रेंड ऐसा फोकट में सलाह देने वाला आदमी का कमी नहीं है, और तारा का तार नुस्खा बताते रहते, नींबू पियो, फिर नींबू खाओ, फिर खीरा, फिर प्याज, लहसुन, फिर शहद, बहुत सारे नुस्खा है जो आदमी सलाह देते रहते। और आपको भी यही कुछ यूट्यूब से फिर गूगल से भी मिल जाते, जो आप ट्राई करते रहते हमेशा, लेकिन ट्राई करके थक चुका है, अभी डॉक्टर का सहारा में जी रहा है फ्रेंड, जो जैसे भी टेबलेट वगैरह फिर दवाई देते उसके ऊपर आपका जो बीमार रहते, जैसे डायबिटिक्स है, थायराइड है, कुछ भी है जो आप इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आपका जो मोटापा है हटा सकते। और ऐसे कोई तकलीफ मैं आपको जिम जाने का भी बात नहीं बोलूंगा, फिर कमर तोड़ने वाला कोई एक्सरसाइज का भी बारे में नहीं बताऊंगा, और ना बताऊंगा तो आपको कोई नुस्खा के बारे में जो पीने से खाने से आपको तबियत आपका बॉडी पूरा का पूरा फिट हो जाएगा। मैं थोड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको देऊंगा, जो आप थोड़ा सिर्फ 15 दिन यूज भी करोगे तो आपको इतना फर्क महसूस करोगे, जो पहले 15 दिन बाद में गाली मारने के वजह से मेरे को थैंक्स लिखने के लिए दोबारा आपको मेरा कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप अगर सीखना चाहते कैसे किया जाते, तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते फ्रेंड, ये वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्टकट से बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिंपली फ्रेंड हम लोग जो खाते पीते रोज, जैसे अगर चावल खा रहे, फिर रोटी खा रहे, कोई सब्जी खा रहे, कोई मटन खा रहे, जो भी खा रहे, क्या हम लोगों को पता है इसमें कितना कैलोरी है, प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना कैल्शियम है। मान लीजिए कोई रोटी खा रहे, एक रोटी में कितना कैलोरी रहते कोई बोल सकते? एक अंडे खा रहे, अंडे में कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, फिर कितना कैल्शियम रहते, कितना विटामिन रहते, कोई बता सकते? हर तरह का प्रोडक्ट में, हर तरह से खाने पीने का चीज में आपको ये जो या ये कैलोरी, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर कैल्शियम, हर तरह का खाना में फ्रेंड रहते, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कौन सा खाना में क्या है और कितना लेना चाहिए। फ्रेंड सिंपल सा बात है ये, लेकिन आप अगर पूरा जानकारी लेने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे एक अंडे के बारे में जानना है, जो खा रहे हैं, हर तरह का खाना में कौन कौन सा, कितना कैलोरी रहेगा, कितना विटामिन रहेगा, कितना कैल्शियम रहेगा, ये जानने का बाद अगर आप खाने जाओगे तो आप कुछ भी नहीं खा पाओगे, तो ये बहुत दिक्कत हो जाते। तो फ्रेंड आपको कुछ मालूम करने का भी जरूरत नहीं है, आपको जानने का भी जरूरत नहीं, मैं सिर्फ जितना सा बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना और यूज करना। एक आदमी जो यंग है उसको मान लीजिए 18 साल से जिसका उम्र लगभग 60 साल तक, उसका रोज हर रोज लगभग, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लगभग 20 से 2500 कैलोरी तक जरूरत पड़ती है। तो आदमी क्या करते फ्रेंड,
सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप रोज हर रोज 20 से 2500 कैलोरी तक ले सकते, इससे अगर ज्यादा लेते तो आदमी सिंपल सा फैट बन जाते, अगर इससे कम लेते तो आदमी फिट रहते, फिर उससे कम भी वजन घट भी सकते, बहुत ज्यादा घट जाते। लेकिन अगर आप हिसाब से, जैसे आप अगर कम से कम 2000 कैलोरी का जरूरत है, आप अगर 1000 कैलोरी लेना चालू कर दोगे तो आपका शरीर फिट नहीं रहेगा, आपका शरीर में ताकत नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। मान लीजिए आप अगर 3 टाइम खाना खाते तो आपको डिवाइड करना है 2500 से 2500 कैलोरी का, जो आपको लगभग एक बार खाना से 700 से 800 कैलोरी खाना चाहिए। तो अगर 700 से 800 कैलोरी आबार एक बार खाना में, मान लीजिए सुबह का खाना में, फिर दोपहर का खाना में, फिर शाम को खाना में 700 से 800 कैलोरी खा रहा है, तो आपका शरीर जो है जैसे ही फिट है वैसे ही सिंपल सा फिट रहेगा, आपको ना वजन घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार खाना में अगर 1000 कैलोरी का ऊपर आप ले रहे तो आपका शरीर का जो मोटापा है फ्रेंड बढ़ते जाएगा। अगर आप 700 से कम कैलोरी ले रहे तो आपका जो वजन है फ्रेंड वो कम होते जाएगा, घटते जाएगा। तो हम लोगों को सिंपल सा करने के है, हम लोगों को वो 2500 से 2500 कैलोरी का जरूरत है फ्रेंड, हम लोगों का कैलोरी जरा कम करना है, मतलब 1500 से 2000 कैलोरी तक खाद रोज लेना है। तो आप अगर बोलोगे कौन सा खाना में कितना कैलोरी है, मैं कैसे जान पाऊंगा फ्रेंड, कोई जानने का कोई जरूरत नहीं। आप जितना भी खाना खा रहे हैं रोज, हर रोज जितना भी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए अभी तक आप पीछे देखिए 15 दिन पहले तक जो जो खाना आप जितना खाना खा रहे हैं उतना खाना को आप डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप 2 टाइम खा रहे हैं, फिर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, वो डिवाइड करके उतना ही खाना आप अलग से, मान लीजिए 500 ग्राम खा रहे हैं आप पूरा दिन में, तो उसको 4 हिस्सा कर दीजिए, फिर 5 हिस्सा कर दीजिए। जितना भी खाना आप एक दिन में खा रहे हैं उतना ही खाइए, लेकिन 5 बार खाइए। तो क्या होगा, मैं जैसा थ्योरी बताया, हम लोग जो खाना खाते फ्रेंड 2 से 2.5 घंटा बाद हमारा पूरा के पूरा हजम हो जाते हैं, तो पेट पुनरा खाली हो जाते हैं। तो क्या होता है, अगर पेट खाली रहे तो एसिडिटी ऐसे बन जाते। तो दूसरा बात, पहले तो बात तो यही है फ्रेंड, जो आप अगर दिन में 3-4 बार अगर खाना खाओगे, आपको अगर टाइम मिलेगा, आपको पेट भर के नहीं खाना है, आप अगर ऐसे कर पाओगे तो आप पहले तो आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगा। दूसरा फ्रेंड, आपको जो जिसका वजह से मोटापा, जितना भी खाना पहले खा रहे हैं बाद में भी आप उतना ही खा रहे हैं, लेकिन आप वजन घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बार खाना में 700 से 800 कैलोरी लेना है, वहाँ पे आप लेओगे कितना, अगर मान लीजिए 2000 कैलोरी का आप 5 हिस्सा कर दिया तो एक बार में कितना ले रहे हैं, 400 से 500 कैलोरी ले रहे हैं। तो मैं जो हिसाब बताया था फ्रेंड, 700 से 800 का ऊपर जाएगा तो वजन बढ़ेगा, अगर कम लोगे तो वजन घटेगा। तो आप अगर जितना खाना 2 टाइम में खा रहे हैं उतना ही खाना 5 टाइम अलग अलग करके खाइए, तो आपका वजन जो है फ्रेंड अपना आप कम होता जाएगा। और अगर एक्सरसाइज का बात बोलूं फ्रेंड, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना ही चाहिए खाने का पहले, फिर खाने का ज्यादातर खाने का पहले करना ही अच्छा रहते। जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं, खाना खाने का बाद थोड़ा इधर उधर घूम लेना तो क्या है, खाना आसानी से पच जाते, तो आपका कोई खाना पचाने का जैसे एसिडिटी वगैरह, फिर दूसरा कोई बीमार आसानी से नहीं लग सकता। आपका जो खाना है पूरा के पूरा शरीर में ताकत हिसाब से यूज होते रहते। अगर नुस्खा के बारे में बताऊंगा फ्रेंड, अगर जानना चाहते हैं क्या खाने से सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो जैसे नींबू जैसा चीज, फिर शायद जैसा, फिर खीरा जैसा चीज आप आसानी से ले सकते हो। वो भी तरीका मैं थोड़ा बता देते, जैसे सुबह में उठ के जैसे आदमी चाय पीते हैं, दूध वाला चाय, फिर शक्कर ज्यादा डाल के जो चाय पीते, उसमें शरीर में ज्यादा से ज्यादा नुकसान होते रहते, उसमें कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, जितना भी हो पूरा का पूरा नेगेटिव इफेक्ट है। तो मैं सलाह यही दूंगा फ्रेंड, आप सुबह में उठ के चाय व दूसरा कुछ दूध वाला चाय तो बिल्कुल मत पीना, आप सुबह में उठ के थोड़ा नींबू थोड़ा शहद डाल के पानी गर्म कर लेना और पी लेना, शाम को भी ऐसे ही करना। और दोपहर का टाइम पे फ्रेंड अगर आप खाना खाओगे तो खीरा खा सकते, ऐसे उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ते। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना सुबह को शाम को खाने का पहले। और दोस्तों फ्रेंड, मैं जैसे जो चीज बताया, आप दिन में अगर 2 टाइम खाने का खाते हैं, फिर 3 टाइम खाते हैं, तो उतना ही खाना खाना, आपको खाना कम नहीं करना। खाना अगर कम करोगे तो आपका तबीयत बराबर नहीं चलेगा, क्योंकि कमजोर हो जाएगा शरीर। और उतना ही खाना आपको 4 से 5 बार लेना है, उतना, उससे ज्यादा नहीं। वो आप जैसे खाना सब आप 2 टाइम खा रहे तो वही खाना आप 5 टाइम खाना, तो आसानी से आपका जो कैलोरी लेवल है, प्रोटीन लेवल है, वो भी पूरा हो जाएगा। आपका वजन जो है फ्रेंड सिर्फ 15 दिन में मैं फिर बता रहा हूँ घट जाएगा। अगर अगर पहले जितना भी था आपका वजन उससे कई गुना कम हो जाएगा। अगर नहीं कम हुआ तो मैं तो बोला, कमेंट्स बॉक्स में गाली मार देना। तो फ्रेंड आपका कमेंट्स का
आपका रिप्लाई के लिए मैं वेट करूंगा, जरूर ट्राई करना और मेरे को बताना आपका जो बॉडी है अभी क्या रिएक्शन दे रहा है और आप क्या कर रहे हैं फिलहाल और ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमेशा साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।